कार्तिक और सीरत के बीच आने वाली हैं दूरियां। होने जा रही है टीवी के मशहूर एक्टर करण कुंद्रा की धमाकेदार एंट्री। जियो स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शो के मेकर्स जल्द ही एक्टर करण कुंद्रा की एंट्री करवाने जा रहे हैं। खबरों की माने तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में करण की एंट्री से सीरत और कार्तिक की दोस्ती में दरार आएगी। खबरें हैं कि करण सीरत के लव इंटरेस्ट का रोल अदा करने वाले हैं। आपको बता दें कि सीरत के लव इंटरेस्ट की एंट्री की खबरें पिछले काफी वक्त से सुर्खियों में भी थी और अब मेकर्स की ये तलाश आकर रुकी है करण पर। आपको बता दें कि करण कुंद्रा लंबे समय से टीवी की दुनिया से गायब चल रहे हैं और उनके फैंस को इंतजार था कि कब वो वापस टीवी स्क्रीन्स पर अपना जलवा बिखेरेंगे। इस बात में कोई भी शक नहीं कि करण की एंट्री के बाद प्रोड्यूसर राजन शाही के इस सीरियल की रेटिंग जरूर बढ़ेगी, क्योंकि करण की एंट्री से शो में लव ट्रायंगल का जबरदस्त ट्विस्ट जो आने वाला है। हालांकि करण का किरदार पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, फिलहाल इस बारे में कोई भी अपडेट सामने नहीं आई, लेकिन इतना तो तय है कि करण शो में काफी दमदार रोल के साथ नजर आएंगे। बात की जाए करण के टीवी शोज की तो वो अब तक कितनी मोहब्बत है, बेताब दिल की तमन्ना है, तेरी मेरी लव स्टोरीज, ये कहां आ गए हम, दिल ही तो है समेत कई बड़े बड़े रियलिटी शोज को होस्ट भी कर चुके हैं। वही करण ने कई शोज को जज भी किया है। करण को आखिरी बार टीवी पर साल 2020 में सोनी टीवी के शो दिल ही तो है सीजन 3 में देखा गया था। हालांकि ये शो कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था और जल्द ही ऑफ एयर कर दिया गया था। वही बात की जाए राजन शाही के शो ये रिश्ता क्या कहलाता की तो लंबे वक्त से शो टीआरपी से बाहर रहा था। हालांकि नायरा की मौत और सीरत की एंट्री से शो एक बार फिर से लोगों के दिल में उतर आया है। शो में सीरत कार्तिक की नई केमिस्ट्री को ऑडियंस भरपूर एंजॉय भी कर रही है। यही वजह है कि ये शो लंबे समय बाद टीआरपी लिस्ट में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा पाया है। जी हां, बीते 3 हफ्तों से ये शो बाग के लिस्ट में टॉप 5 शोज की लिस्ट में दिख रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मेकर्स ने अब कमर कस ली है कि ये सीरियल इस लिस्ट से वापस कभी ना गायब हो, और इसी वजह से मेकर्स करण की एंट्री शो में करवा कर नए ट्विस्ट से ऑडियंस को इम्प्रेस करने वाले हैं। वैसे आप करण को एक बार फिर से टीवी पर देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? बताइएगा जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में।